आडा नाचा राम राम। मैं आपकी दोस्त एक बार सुनो आप सबके समक्ष पोएटिक आत्मा के मन से एक खूबसूरत और बेहतरीन शाम सुने दोस्त। जैसे करीब दोपहरी अपनी थकन करी के शाम को दे देती है, ठीक वैसे ही मखमली शाम अपने आंखें मूंदने से पहले पहले धीरे धीरे अपनी तरंगों को रात को सौंपती है और इसी ढलती हुई शाम और गहराती रात के बीच आज आज बेहद ही खास मेहमान हमारे समक्ष उपस्थित है। इनका नाम मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं इनके विषय में आपको बता देना चाहती हूँ कि आप गत 22 वर्षों से विभिन्न देश विदेश के काव्य मंचों से गरिमामय काव्य पाठ प्रस्तुत करते आ रही हैं, मन संचालन भी आप करते आ रही हैं। इतना ही नहीं 30 वर्षों से आकाशवाणी के विभिन्न रेडियो स्टेशनों दूरदर्शन और अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से आप काव्य पाठ करती आ रही हैं। और क्या बताऊं, दुबई, स्पेन, लंदन, सिंगापुर, यूएई, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, इंडोनेशिया, पोलैंड, यूएसए, लंदन जैसे देशों के गरिमामय मंच पर भी आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। कई स्वरचित किताबें भी आपने लिखी हैं, कई पुरस्कारों, कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं आप। और इससे बड़ी सम्मान और गौरव की बात एक हिंदुस्तानी कवित्री के लिए और क्या हो सकती है कि आप गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन लाल किला पर काव्य पाठ प्रस्तुत करती आ रही हैं और आपको हमेशा ही मौका मिलता है। तो दोस्तों पोएटिक आत्मा के मंच से आइए हम सब स्वागत करें हमारी आज की विशेष मेहमान राष्ट्र कवित्री डॉक्टर कीर्ति कार्ले जी। डॉक्टर कीर्ति कार्ले आपका हमारे मंच पोएटिक आत्मा पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जी नमस्कार। मैं भी सभी लोग सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। स्वागत तो स्वागत अब है, इस्तकबाल है आपका। दोस्तों अब मैं एक जरूरी बात आपको बता दूं कि आज की जो बेहतरीन शाम काव्य यात्रा की जो बेहतरीन शाम आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है वो है पोएटिक आत्मा और इनके एसोसिएट पार्टनर हैं शौर्य नमन, प्रेरणा दर्शन साहित्य मंच, एसआरओपी फिल्म और टीम। और अब एक और परिचय मैं आपको करा दूं जो इस शाम को और इस रात को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आगे की तरफ लेके जाएंगे। पोएटिक आत्मा के फाउंडर मिस्टर अभिषेक तिवारी। तो अभिषेक जी ओवर टू यू। और मुझे यकीन है कि आज की शाम हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही लाजवाब शाम। ओवर टू यू अभिषेक। बेहद शुक्रिया अश्विन जी, बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी जुड़ चुकी हैं, आप सभी के समक्ष हैं। और कहा जाता है कि आपकी वाणी में, आपके कलम में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। और वैसे भी आप हम सभी के लिए माँ शारदे तुल्य हैं, और समय समय पर आप अपना अपनी प्रेरणा से और अपने प्रोत्साहन से हम सभी को सदैव आगे बढ़ने का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देती रहती हैं। और आपका होना हमारे देश के लिए ही नहीं, परंतु संपूर्ण काव्य जगत, साहित्य जगत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ये हम सबके लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि आदरणीय कीर्ति काले जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारी भारत माँ की बेटी हैं। और आज आप हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबेर अंसारी साहब। आप एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, और उसके साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। तो मैं कीर्ति दीदी का जो परिचय है इन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ कराना चाहूंगा कि तीर मेरे, कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है, और की बात और ही जाने, मेरे मुंह में जुबान मेरी है। जाने कैसी पसंद रखती हूँ, क्या कहने, हसरतें दिल क्या में कहने, चंद रखती हूँ, वाह साथ वाले खफा खता ये है, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर कीर्ति क्या काले बात जी। है, बहुत अच्छा। अभिषेक जी आपने जो परिचय दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपने बारे में इतना नहीं जानती जितना आपने मुझे बता दिया मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और बड़प्पन जिस है, ये तरह से बड़प्पन है आपने ये आपका कविता मैम, की शाम जी आपका ये बड़प्पन है बड़प्पन ये, है मैम जो कविता की शाम आपका, आपने जरा सजाई नवाजी है। है।
तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। और ओशीन जी ने तो इतनी अच्छी तरह से पूरे कार्यक्रम का जिस तरह से प्रारंभ किया, अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। शुरू से ही लोग जुड़ जाते हैं, एक आकर्षक व्यक्तित्व अगर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो। और अभिषेक जी, आपको तो मैं क्या कहूँ, जिस तरह से आपने बात कही है अपनी। और जुबैर अंसारी साहब हमारे साथ में हैं, हम तीन चार लोग मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को चलाएंगे। तो आप थोड़ी सी रूपरेखा बताइएगा कि मुझे अभी क्या करना है, बताइए। आपको मैम आपकी कविता पाठ और जो आपका सफर है, कुछ सवाल जुबेर साहब लेंगे, कुछ सवाल ओशिन जी और कुछ सवाल मैं लूंगा। और आपको जो आपका काव्य सफर है वो कैसे प्रारंभ हुआ, और आज आप पूरे देश का गौरव हैं, पूरे काव्य जगत का गौरव हैं, और हमें ये बात कहते हुए थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि आज जिस शिखर पर आप हैं उस शिखर पर इस देश में शायद ही कोई और कवित्री पहुंची हो, और जो आज यहाँ विराजमान हो, और महा शारदे की आप पे जो क्या विशेष अनुकंपा है, और जो आप समय समय पे हम सबको कृतार्थ करती हैं, तो हम चाहेंगे कि आज ये जो आपकी काव्य धारा की ज्ञान गंगा है, आज ये जो ये 4-5 पेजेस के माध्यम से हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, उन तक आपकी काव्य धारा की ज्ञान गंगा सभी तक पहुंचे ना। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सुनाती हूँ आपको, एक इन्हीं दिनों का लिखा हुआ एक गीत है मेरा। लोग बहुत निराश होने लगे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से थोड़ा सा आशा का संचार सब में होता है। तो इसी आशा के जी संचार को लेकर मैंने एक गीत लिखा है, वो आपके सामने सुनाती हूँ। उस कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए। कि काल की कुचाल हार जाएगी, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, क्या कहना ये है, दिन भी बीत जाएंगे। काल की वाह 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 कुचाल वाह, हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है, आशंकित संध्या है सहमी सी भोर है, आशंकित संध्या है सहमी सी भोर है, रात के अंधेरे आया का और है न छोर है, पर हम अमावस के पंजे से, पर हम अमावस के पंजे से सूरज को खींच क्या लाएंगे, बात, निश्चित हम हाँ हाँ जीत हाँ क्या कहना है, क्या जाएंगे। कहना है, काल वाह जिंदाबाद, वाह की वाह धन्यवाद। वाह, कि काल की वाह वाह कुचाल वाह, हार, निराश होने की बात नहीं है, कि काल की कुचाल बिल्कुल हार बिल्कुल मैम, जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और पहले भी आई है बड़ी बड़ी विपदाएं, पहले भी आई है बड़ी बड़ी विपदाएं, समय ने सदा ली है धैर्य की परीक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, पहले भी लांघी है सागर ने सीमाएं, और चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, हम खुद पर इतराएंगे, क्या निश्चित कहना है, हम जीत बहुत जाएंगे। जिंदाबाद, और गीत का बहुत, अंतिम पद क्या है कहना है, कि संकट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बात मैं कहना चाहती हूँ, कि संकट की जी घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना,
फूलों की क्यारी में नागफनी बोनाना, आशा के छोटे क्या से कहने हैं। दीपक से, आशा के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। काल क्या की कहने हैं, क्या उजाल कहने हैं। हार जाएगी, हिम्मत रखेंगे तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाएगी। कि काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी क्या बीत कहने, क्या कहने। जाएंगे। और जिस तरह के बहुत कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है और एक तरह से उत्साह वर्धन भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये दिन भी बीतेंगे और हम दोबारा से एक नई सुबह की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल कीर्ति बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, निश्चित बिल्कुल ही हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे इस कोरोना कहर में। वाकई में जितने व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे और कीर्ति काले जी की रचना जो जो सुन रहे होंगे, उनको मन में कहीं ना कहीं विश्वास जरूर हो रहा होगा, उम्मीद की किरण हमें देना हमारा फर्ज है, और कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा होगा कि वाकई में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कीर्ति जी, आपको देश विदेश में काव्य पाठ करने का आपको मौका मिला, और इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि आप लाल किला पर आप काव्य पाठ प्रस्तुत करके आई हैं और हमेशा ही करती रहती हैं। लेकिन ये तो हुई बात आज की, जानना चाहूंगी कीर्ति जी की, जब आपके काव्य पाठ की शुरुआत कैसे हुई, क्या बचपन से ही आपको गीत कविता गजल लेखनी में रुचि रही, या फिर जैसे जैसे आप बड़ी होती गई तब आपको इसमें रुचि आई, इसके विषय में जरा बताइए। ऐसा है ओशीन जी कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी, 8th स्टैंडर्ड में, तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखने लगी थी, लेकिन उसे कविता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक भाव थे मन में, क्योंकि मैं दूसरे एक्टिविटीज में बहुत आगे थी, डांस में, भाषण देने में सबसे पहले, तो मैं पीछे अपने कॉपी के पीछे पीछे के पन्ने पर कुछ लिख लेती थी। जब किसी सबसे बड़ी बात, अगर मुझे किसी पर कोई गुस्सा आता था और मैं उस गुस्से को नहीं निकाल पाती थी, कह नहीं पाती थी, क्योंकि बड़े लोगों से नहीं कह पाते हम कुछ भी, तो मैं वो अपने कॉपी के पीछे वाले पेज पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती थी, कुछ पंक्तियां लिख लेती थी और मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। तो इसी तरह से मेरा लेखन प्रारंभ हुआ, और मैं जब 9th में आई तो हमारे स्कूल में से मुझे दूसरे स्कूल में एक अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता थी, कविता प्रतियोगिता, और उसके लिए मुझे मेरा नाम, मेरी जो मैम थी उन्होंने दे दिया, और मुझे बताया नहीं उन्होंने कि मेरा नाम दिया है मैंने, और उसी दिन बताया मुझे कि मुझे जाना है और कविता वहां पढ़नी है। तो मैंने कहा मैं कविताएं वैसी तो नहीं लिखती हूँ जैसे कि किसी प्रतियोगिता में पढ़ी जाएं, तो आपने मुझे मेरा नाम क्यों दे दिया? तो बोले नहीं नहीं हमें पूरा विश्वास है, आप बिल्कुल अभी 2 घंटे का समय है, आप लिखिए। आपको एक विषय दिया गया था संचय का, जो बच्चों की बैंक चलती थी, और उसी पर लिखकर सुनाना था। तो मैंने कहा कि लेकिन 2 घंटे में मैं पता नहीं क्या लिखूंगी। वो बोले नहीं हमें पूरा विश्वास है आप लिखेंगी और आप बहुत अच्छा लिखेंगी। तो मैंने 2 घंटे बैठकर उस संचयिका पर कुछ लिखा कि पापा ने जो दिए कभी, और राखी पर जो मिले कभी, संचयिका में जमा किए अपने पैसे मैंने सभी, इसी तरह की कुछ पंक्तियां मैंने बनाकर लिखी और चली दूसरे स्कूल में। मुझे जाना था तो मैं गई, वहां मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि सारी मुझे लगा कि सब तो बहुत बड़े बड़ी तैयारी करके आए होंगे और मैं तो कभी कुछ ऐसा लिखती नहीं हूँ और मुझे यहाँ पर भेज दिया। लेकिन हाँ, मंच पर बोलने का अभ्यास मुझे शुरू से रहा है, तो मैंने ऊपर से दिखाया नहीं ऐसा बोलते समय कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर मैं बहुत डरी हुई थी। और अप्रत्याशित रूप से मुझे वहां प्रथम पुरस्कार मिला, तो प्रथम पुरस्कार मिलने से मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख सकती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि कविताएं मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती थी शुरू से, तो जैसे वो सिंहासन ही लुठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जी, कविता आप सबने सुनी होगी, इतनी बड़ी कविता है, मुझे बिल्कुल याद थी, कामायनी पूरी याद थी।
उनकी क्या पूरी बात। कविता याद थी, सिंहासन टूटे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, क्या चबक कहना उठी है, सन 57 में पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कहानी खूब थी, लड़ी क्या बात, सुल्तानी वो तो खूब झांसी लड़ी वाली झांसी रानी। वाली रानी थी, क्या तो बहुत लंबी कविता है वो, मुझे कहना। याद बहुत जल्दी हो जाती थी, और मैं मंच पर बोलती भी थी कविताएं ऐसी जो अपने पाठ्यक्रम में होती हैं वो, तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। धीरे धीरे फिर लिखना शुरू हुआ, और हमारे मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ मध्य प्रदेश की, तो वहां बहुत अच्छी गोष्ठियां होती थी, तो वो गोष्ठियों में सुनने अभी भी जाती होती थी है क्योंकि मैम। मेरी रुचि थी, तो मैं वहां सुनने जाती थी। जब मैं काफी दिनों तक सुनने जाती रही तो उन्हें लगा कि ये छोटी सी बच्ची हमेशा सुनने आती है, तो हमें भी मुझे भी कहा कि आप भी सुनाया कीजिए। तो मैंने कहा मैं वैसे आप लोगों जैसा नहीं लिखती हूँ इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, लेकिन मुझे सुनने में अच्छा लगता है इसलिए मैं आती हूँ। तो बोले नहीं आपको जैसा आता है वैसे आप सुनाइए, कुछ नहीं यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो फिर मैंने अगले बार गई तब मैं थोड़ी और अच्छी कविता बहुत मेहनत करके लिख कर ले गई, बड़े उन लोगों ने बहुत प्रशंसा की, फिर मेरा हौसला बढ़ा और धीरे धीरे मैं लिखती गई। मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे हिंदी में रुचि है तो मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए, फिर मैंने हिंदी में एमए किया और पीएचडी भी हिंदी में किया, और सौभाग्य से मुझे अपने यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नहीं तो साइंस ग्रेजुएट सीधे से कोई कोई साहित्य में आ जाए तो बड़ा अटपटा सा हो जाता है एकदम, दोनों की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा मतलब जीवाजी विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान मिला एमए में, उसके बाद मैंने पीएचडी किया हिंदी नवगीत में। और जैसे उन गोष्ठियों में जाती थी तो उन्हीं लोगों ने मुझे मेरा नाम कहीं कहीं देना शुरू किया कि हमारे साथ चलिए, हमारे ग्वालियर की ग्वालियर में, कहीं बाहर मैं नहीं गई थी। 88 से मैं जा रही हूँ अपने स्थानीय कवि सम्मेलनों में जाती थी, तो 88 से मेरा सफर शुरू हुआ कवि सम्मेलन में। धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार में कोई भी कवि नहीं था तो मुझे कोई कोई भी इसका एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था कि कवि सम्मेलन में कैसे पढ़ा जाता है। मैंने केवल दूरदर्शन पर कवि सम्मेलन सुने देखे थे और रेडियो पर बहुत सुनती थी मैं, दूरदर्शन पर भी पहले बहुत अच्छे कवि सम्मेलन और मुशायरे आया करते थे, तो मैं कॉपी लेकर बैठ जाती थी बिल्कुल सामने दूरदर्शन के कि जब मुशायरा कवि सम्मेलन आएगा मैं सारा अपनी कॉपी में उतार लूंगी फिर दोबारा से पढ़ूंगी उसे। और रेडियो पर भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आते थे तब कवि सम्मेलन के, तो मैं उनको भी बहुत सुनती थी। रेडियो पर मैं गई थी सबसे पहले जब मैं कक्षा 4 में थी, बाल कुंज कार्यक्रम में मेरे पिताजी लेकर गए थे, और बाल कुंज कार्यक्रम में मैंने किसी और की लिखी हुई कविता सुनाई थी, बताकर भी कि मैं किसकी कविता सुना रही हूँ। तो इस तरह से रेडियो का साथ तो बहुत दिनों बहुत पहले से रहा है, तो इस तरह से मेरा मेरी यात्रा शुरू हुई हुई और अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और थोड़ा अच्छा लगता बिल्कुल गया, अच्छी कविताएं आती गई। माँ माँ शारदे की कृपा होती है, जैसे किसी भी कवि को या कलाकार को पैदा नहीं किया जा सकता, प्रतिभा तो जन्मजात ठीक किसी बात, में लिखने की होनी ही चाहिए ओशिमा जी। और जुबैर अंसारी बिल्कुल साहब जानते ही होंगे, प्रतिभा तो सबसे पहली बात है कि लेखन की प्रतिभा या वो प्रसाद ऊपर वाला देता है, और उसके बाद अगर बिल्कुल उसे ठीक से उस बीज को खाद पानी मिल जाता है तो वो पुष्पित पल्लवित हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा ईश्वर ने दी थी बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद अभ्यास मैंने किया उसका, और तीसरी बात ईश्वर की कृपा। तीन चीजें होनी चाहिए सफल जी, होने के लिए, पहली प्रतिभा, दूसरा अभ्यास और तीसरा ईश्वर की कृपा, तो तीनों मेरे साथ रही बिल्कुल इसलिए अभी बिल्कुल तक का सफर ठीक चल रहा है। तो बिल्कुल। प्रतिभा अभ्यास क्योंकि और ईश्वर की जी कृपा, प्रतिभा अभ्यास जी और ईश्वर की कृपा, ये तीन चीजें होनी चाहिए। और मन के भाव को कीर्ति जी बचपन में लिख दिया करती थी, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर आपकी कवित्री जो भाव था वो कवि कवित्री का वो कहीं ना कहीं अंदर पनप रहा था। और इससे भी ज्यादा प्यार कविता के लिए, साहित्य के लिए क्या हो सकता है कि एक साइंस स्टूडेंट साहित्य की तरफ बढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हिंदी में एमए की, आप ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सबको सीखने को। यूं ही आप लाल किला पर आप जाकर परचम नहीं लहराई हैं कीर्ति जी, ये बहुत ही अच्छी बल्कि बात, मैं एक अच्छी बात सीख। कहूं, हाँ जी हाँ बिल्कुल जी सीमा जी एक बात कहूं, जब मैं कॉलेज में जी अपना वो फॉर्म भरने के लिए गई बीएससी करने के बाद,
तो ऑप्शन था कि मैं एमएससी करूं या क्या करूं, तो उसके बाद मैंने वहां एमए भर दिया, एमए हिंदी। उसी समय मुझे ऐसी ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे एमएससी नहीं करना चाहिए, मुझे एमए हिंदी में करना चाहिए। तो ये उस एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब मैंने वो अपने मन की आवाज को सुना और एमएससी की जगह मैंने एमए भर दिया, एमए हिंदी भर दिया और एमए में मैं चली गई। तो एक तरह से और ये मन होता की है कि आवाज हमें एमए करने से क्या हुआ कि साहित्य का क्रमबद्ध मैंने अध्ययन कर लिया, उस अध्ययन से बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल कीर्ति जी, मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, ये आपने सही कहा। और मेरे मन की भी एक आवाज हो रही है कि क्यों ना हम सब आपकी एक और आपका एक और काव्य पाठ सुने। क्यों अभिषेक जी, जुबैर भाई, बिल्कुल 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 सुनाती बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाती शुक्रिया। हूँ। जी कुछ जी कुछ मुक्तक सुनाती हूँ, क्योंकि अभिषेक जी ने प्रारंभ में ही मेरी कुछ पंक्तियां सुनाई थी, तो कुछ मुक्तक मैं सुनाती हूँ। सुनिए कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख जी में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। और कभी आंखों महसूस करके सुनना इन पंक्तियों को कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। क्या और बात वो है, लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। देखिए क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते, प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। क्या तो बात है, जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेट कर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो वही प्यार का तूफान शब्दों के रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूं, सुनिएगा। कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, क्या बात शायद है। ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और अब पंक्तियां सुनिए और महसूस करके सुनिए कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में।
और अब गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, के हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है पहले 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 पहले। प्यार में। बहुत कुछ दिन पहले मैं कवि बहुत ही सम्मेलन में गई। खूबसूरत जी, बहुत ही बोलिए आप खूबसूरत बोलिए क्या कह रहे। शब्द कीर्ति जी, बहुत ही खूबसूरत शब्द शैली, राग, ट्यून, बहुत ही मन को भा गया। अभिषेक जी, जिस चीज के लिए पोएटिक आत्मा जानी जाती है कि यूथ से कनेक्ट करती है, अभिषेक जी, हाँ जी, हाँ जी ओशिन जी, अभिषेक, जिस चीज के लिए यूथ पोएटिक आत्मा जानी जाती है, यूथ को कनेक्ट करती है पोएटिक आत्मा, और न सिर्फ पोएटिक आत्मा बल्कि शौर्य नमन पेज, प्रेरणा दर्पण, साहित्य मंच, SROP फिल्म एंड टीम जानी जाती है। यूथ को, यूथ उनसे सीधे संपर्क में रहते हैं, साहित्य को उनके रूह को खुराक मिलती है, और मुझे लगता है कि आज कीर्ति काले जी का जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, और एक से एक जो ये बढ़िया काव्य पाठ कर रही हैं, वो उनके जहनों दिल को हलचल मचा रहा होगा, उनके जहनों दिल में, क्या कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और रोशन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय माननीय कीर्ति काले जी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा भी हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और मुझे हरि प्रकाश जी और ओम प्रकाश कल्याणे जी की जब जब मुझ पर अनुकंपा होती है, और जब जब माँ शारदे की स्वयं और ईश्वर की मुझ पर अनुकंपा होती है, मुझे डॉक्टर कीर्ति काले दीदी के नाम से दीदी को सब बुलाते हैं। मुझे हमारी माँ भी हैं, ये साक्षात माँ माँ शारदा का स्वरूप है हम सबके लिए। इनसे मुखातिब रूबरू होने का, साक्षात देखने का मौका मिला है और साक्षात सुनने का मौका मिला है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें युग काल और खंड में नहीं बांधा जा सकता, ना ही इनके शब्दों को, ना ही इनकी संरचना को, और ना ही इनके व्यक्तित्व को। और हकीकत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नहीं बोलती तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ कीर्ति दीदी आज बात कर रहे हैं, डॉक्टर कीर्ति काले हमारे बीच, जो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, राष्ट्रीय कवित्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री हैं, और हम सब बस सुनते रहे। दिल की यही कामना है। ओवर टू यू कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति दीदी। अभिषेक भाई, अभिषेक भाई हाँ जी, और कीर्ति मैम जी, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जिससे एक पूरी जो नई जनरेशन है, खुसूसी तौर पे जो हमारी शायरात या कवित्री हैं, उनको थोड़ा सा कुछ वो मिले। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैम कुछ उस पर रोशनी डाल सकें कि इतना बड़ा जो कामयाब सफर तय करके मैम यहाँ तक आई हैं, तो इसमें उनके उस्ताद या गुरु जो हैं वो कौन हैं, और उनकी जो भी है वो, और दूसरा सवाल इसी में ये भी है कि इस साहित्यिक सफर जो अदबी सफर है आज, तो इसमें उस्ताद या गुरु का जो है महत्व तो, वो क्या है, अगर इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें तो शायद नई जनरेशन को काफी कुछ इससे मिलेगा। जरूर तो जरूर। प्लीज मैम। जुबैर अंसारी साहब, गुरु और शिष्य की जी परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मेरे गुरु तो मेरे ईश्वर हैं और मेरी किताबें हैं। बाकी जिस जिसमें जो जो बहुत चीजें अच्छा, मुझे अच्छी दिख जाती हैं, जहां से जो अच्छा पढ़ने को या सुनने को मिल जाता है, वही मेरे गुरु हो जाते हैं। तो कोई अरे वाह, एक किसी एक गुरु का मैं जी जी नाम जी नहीं ले सकती हूँ, ये किसी ने किसी को मैंने गुरु बनाकर उनसे सीखा हो, लेकिन जो जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं, भले ही वो कितने भी छोटे हों, जैसे अभिषेक तिवारी जी हैं, इनसे मैं मिली तो इनसे भी बहुत चीजें मैंने सीखी, आपसे अभी मिल रही हूँ तो आपसे भी, मैं आपके बोलने से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, अभी औषिमा जी हैं उनके बोलने से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो हमेशा व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए, हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमें ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा होता है, और अपने अपने व्यक्तित्व को और ऊंचा बनाया जा सकता है। तो
तो मैं सबसे बड़ा मानूंगी कि बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल तो मेरे जो शिक्षक थे स्कूल के, उन्होंने जिस तरह से कविताएं पढ़ाई, साहित्य पढ़ाया, जितनी रोचकता से पढ़ाया, तो मेरी रुचि जो बनी। और उसके बाद हमारे एमए के क्लास में जो एक राजरानी शर्मा मैडम जी थी, उन्होंने जिस तरह से तुलसीदास जी पर आधारित एक उपन्यास हमें पढ़ाया, मानस का हंस, वो था उपन्यास, लेकिन जिस काव्यात्मक शैली में उन्होंने पढ़ाया, तो उसके कारण मेरा कविताओं की ओर और ज्यादा झुकाव होता चला गया। और जब मैं कवि सम्मेलनों में, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कवि सम्मेलनों में आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कवि सम्मेलन क्या होते हैं, और केवल मैंने रेडियो और दूरदर्शन पर कवि सम्मेलन देखे सुने थे। जैसे जैसे मैं आगे आती गई, तो हर किसी से कुछ ना कुछ मैं सीखती चली गई। मंच पर भी किस तरह खड़े होना है, माइक पर कैसे बोलना है, और फिर धीरे धीरे भाव ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती चली गई आप जिस क्षेत्र में जाते हैं। और अगर आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और सच्चे हृदय से करते हैं, तो भगवान आपका साथ देता है। तो मेरे मेरी यात्रा में तो यही रहा। और मैं, आपने जैसे कहा है कि नए लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ नए लोगों से। वैसे तो नए लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, हमसे भी अधिक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो उतावले बहुत अधिक हैं, उनमें धैर्य नहीं हाँ है। हाँ हाँ उन्हें ये लगता है कि ठीक हमने बात एक दो साल हमने अगर हम कविता को दिए हैं, तो हमें 10 साल की अर्निंग हो जानी चाहिए, धन के रूप में भी और यश के रूप में भी। लेकिन समय से पहले तो कुछ मिलता नहीं है। इतनी उतावली वो न रखें। अगर आपके आपके काम में अगर ईमानदारी है, आप बहुत सच्चे हृदय से कुछ लिखते हैं और मौलिक लिखते हैं, कॉपी पेस्ट बहुत अधिक हो रहा है आजकल, मौलिक बहुत कम लिखा जा रहा है। अगर, और आजकल तो हर चीज सब लोगों को पता है कि कौन सा शब्द, कौन से भाव किसने कहाँ से उठाए हैं, क्योंकि तो सब कुछ बहुत ओपन है। तो आप अगर केवल कॉपी पेस्ट करने में अपना ध्यान रखेंगे, किसी और दूसरे लोगों की भाव और पंक्तियां लेकर अपनी पंक्तियां जोड़कर कविता बनाएंगे, बहुत फैशनेबल कपड़े पहनकर और अपने बारे में बहुत सारा झूठ बोलकर, बहुत सारा आडंबर अपने ऊपर लाद कर अपने आप को बहुत बड़े हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लेखन लेखन क्षमता बहुत पीछे छूट जाएगी। और साथ केवल आपका काम देता है और कोई साथ नहीं देता। थोड़ी देर के लिए चमक हो सकती है किसी सितारे की, लेकिन वो चमक अगर 30 साल 50 साल रहे, तब तो कोई बात है। 2 साल अगर चमक रहे और वो सितारा गायब हो जाए, तो उसमें तो कोई मजा नहीं आता। इसलिए बिल्कुल लेखन बहुत आवश्यक है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। और किसी से भी मिले, उससे जो भी कोई अच्छी बात है वो आप ग्रहण कीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा सीखते रहिए। आप ज्ञान का तो इतना बड़ा भंडार है अंसारी जी, कि आप अगर 80 वर्ष के भी हो जाएंगे, तब भी आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं जाना। तो जब तक ये बातें नहीं बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत मन की बात है। नहीं, आप सच कह रही हैं। मैं सत्य सहमत हूं सत्य आपसे, मुत्तफिक इत्तेफाक रखता हूं। और मैं चाह रहा था कि जो नई जनरेशन है वो कम से कम आप जैसी अनुभवी, और जो मोस्ट, जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि आज हिंदुस्तान में अगर हम नजर उठा के देखते हैं तो कोई आपके लेवल की कोई कवित्री नजर नहीं आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे भी कुछ लोग वो सीख सकें, कुछ आपसे फायदा इस्तेफादा उठा सकें। मैंने इसीलिए जानबूझ के ये सवाल किया था। अब मैं चाहूंगा अभिषेक भाई जो चाह रहे थे कि कुछ काव्य पाठ भी हो जाए, कुछ सुनते चलें, उसी बीच बीच में हम लोग कुछ जो सवाल हैं वो भी करते चलेंगे। तो मैम प्लीज कुछ सुनाएं। नहीं, अच्छा लगा आपने पूछा, तो नहीं तो आप नहीं पूछते तो मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरे मन नहीं में नहीं थोड़ी कोई बात आती कि मैं स्वयं होकर ये कुछ ज्ञान, बताऊं। आपका ज्ञान और आपका जो ये ज्ञान रस है ये ग्रहण करना, और जुबेर, डॉक्टर जुबेर अंसारी साहब एडवोकेट भी हैं, साथ में डॉक्टरेट भी की है, तो इनके जैसे लोग माहिर हैं इस चीज में कि जो जो यूथ है उनके बीच में ये चीज आनी भी चाहिए। क्योंकि आप हजारों करोड़ लोगों के लिए यूथ, जो जो यूथ है उनके लिए रोल मॉडल है। आपको देखना और आपको सुनते देखना, मैंने जब भी सुना मेरा मन उसके बाद ये नहीं करता कि अब इसके बाद कोई कुछ किसी का मैं सुनूं या कुछ कहूं, क्योंकि सब वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जब इतना एक्सपीरियंस आपके पास है तो ये जरूरी है कि वो दुनिया जाने, क्योंकि नए बच्चे ये गलती अक्सर कर रहे हैं, जो आज आपने बहुत ही कुशलता के साथ इस बात को रखा और बेबाकी के साथ रखा। अब आपका कविता पाठ। एक, हाँ मैं बताती हूँ, एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि मैं भी एक संस्था, जैसे प्रेरणा दर्पण संस्था की मैं अध्यक्ष हूँ, तो
उसमें भी बहुत सारे नए लोग आते हैं, रचनाकार आते हैं, लेकिन आने के बाद उनका उद्देश्य कुछ सीखने का नहीं होता। उनका अधिकांश लोगों का उद्देश्य ये होता है कि हमें किस तरह से कवि सम्मेलन के मंच मिले। सही बोला लेकिन आप जी अगर जी एक जी दो जी बार आने के बाद केवल इसी उद्देश्य से आए कि उस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ और आपको सीधे किसी मंच पर मैं खड़ा कर दूंगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप में प्रतिभा होनी चाहिए और पॉसिबल नहीं। सीखने बिल्कुल की इच्छा होनी चाहिए, तभी तो हम आपको किसी मंच पर खड़ा करेंगे। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा बिल्कुल धैर्य बिल्कुल रखने की आवश्यकता है। और आपने कहा है तो एक एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, वो सुनिएगा। ये भी बिल्कुल प्रेम बिल्कुल का गीत जी है मैम और बहुत प्रेम से सुनिए आप। जी और ये गीत मेरा एक फिल्म के जी लिए भी मैम। रिकॉर्ड हुआ है, तो अब अरे देखिए वाह, फिल्म कब मुबारकबाद आती मैम है, फिल्म आपको, वालों की मुबारकबाद, बातें बताने, बधाई बधाई। लेकिन खैर मैं तो एडवांस सुनाती में हूँ आपको मुबारक, सुन। बधाई आपको एडवांस में। हाँ, ये फिल्म वालों को भी बताइएगा कि किसी के रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जल्दी से जल्दी दिखाना शुरू करें, तो अच्छा बिल्कुल लगता है। बताएंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, तो सारा काम काज ठप्प है उन लोगों का भी, तो वो भी क्या बिल्कुल करेंगे उस बात को। तो ये सुनिए जी मेरा जी ये गीत सुनिए बिल्कुल बिल्कुल जी कि मैम, इरशाद मैम। आपको देख कर कुछ हुआ यूं असर, आपको देख कर कुछ हुआ यूं असर, आंख के सारे सपने महकने लगे, धड़कनों में घुली एक हाँ आवारगी, धड़कनों में गुली एक आवारगी, और हम बिन पिए ही बहकने लगे, आपको देख क्या कर कहने कुछ हैं, हुआ यूं कर, आंख के सारे सपने महकने लगे। अब ये बंद सुनिए कि एक पल में न जाने ये क्या हो गया, एक पल में न जाने ये क्या हो गया, रंग भरने लगे दिल की तस्वीर में, एक पल में न जाने ये क्या हो गया, रंग भरने लगे दिल की तस्वीर में, आपके नाम की कुछ लकीरें बनी, आपके नाम की कुछ लकीरें बनी, जुड़ गए कुछ नए पृष्ठ तकदीर में, एक जादू सा होने लगा हर तरफ, एक जादू सा होने लगा हर तरफ, सोए अरमां अचानक चहकने लगे, आपको देख कर कुछ हुआ यूं असर, आंख के सारे सपने महकने लगे, धड़कनों में खुली एक आवारगी, और हम बिन पिए ही बहकने लगे, आपको देख क्या कहना है, कर बहुत खूबसूरत, और क्या दिल कहना है, की क्या कहना है। बातें कहूं तो कहूं किस तरह, दिल की बातें कहूं तो कहूं किस तरह, मेरे होठों पे है शर्म की चुप पिया, दिल की बातें कहूं तो कहूं किस तरह, मेरे होठों पे है शर्म की चुप्पियां, मेरी मजबूरियों को समझ लो जरा, मेरी मजबूरियों को समझ लो जरा, आ भी जाओ करने लगी दूरियां, क्या कहना है, रात भीगी तो जलने लगी चांदनी, रात भीगी तो जलने लगी चांदनी, और दिल में शरारे दहकने लगे, आपको देख कर कुछ हुआ यूं असर, आंख के सारे सपने महकने लगे, धड़कनों में घुली एक आवारगी, और हम बिन पिए ही बहकने लगे, आपको देख क्या कहना है, कर, क्या कहना है, क्या कहने, क्या और क्या कहना है। रात जिंदाबाद की जिंदाबाद जिंदाबाद। बातें प्यार की छाँव में, दर्द के गाँव से प्यार की छाँव में आ गए
तो हमें रोशनी मिल गई, दर्द के गांव से प्यार की छांव में आ गए तो हमें रोशनी मिल गई, मन का मौसम सुहाना हुआ, मन का मौसम बड़ा ही सुहाना हुआ, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई, हिल गई फूल की पंखुड़ी, पंखुड़ी हिल गई फूल की पंखुड़ी, पंखुड़ी खुशबुओं के तराने लहकने लगे, आपको देखकर कुछ हुआ यूं असर, आँख के सारे सपने महकने लगे, आपको देखकर। बहुत 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 अच्छा, और हम शायद हम सब इस काबिल नहीं है कि आप जो भी कह रही हैं, जो भी सुना रही हैं, उसके बारे में हम टिप्पणी भी कर पाए, क्योंकि आपका जो कद है, जो ओहदा है, और जो आपकी तपस्या है काव्य जगत, साहित्य जगत में, लेखन जगत में, उसके हम लेशमात्र भी नहीं है। और दीदी, आपको राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने के लिए जाना जाता है, आप लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा है, और आज आप कई बार देखती हैं कि कवि सम्मेलनों में जो कई बार ऐसी कविताएं सुनाई जाती हैं जिससे कि कहीं पे लोग इंस्टिगेट होते हैं, और आपकी जो कविताएं होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, गीत मुक्तक छंद होते हैं, वो हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को लेकर होता है। तो जब आप, मैंने खुद मंच पे मैंने देखा है कि जब कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी करता है, प्रयास भी करता है, तो आप स्पेशली आप उस चीज के लिए लोगों को रोकती भी हैं, और हम सबको इससे हौसला भी आता है कि आज आपको जब हम देखते हैं कि अगर डॉक्टर कीर्ति काले दीदी ऐसा कर सकती हैं, तो हम भी शायद अपने अपने जगह पे जाके एक आवाज उठाने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप यूथ को कैसे प्रेरित करना चाहेंगी कि जो लेखक हैं, जो कई बार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको कितना ध्यान रखना चाहिए जब वो लिखते हैं कि क्या नहीं करना और क्या नहीं लिखना है, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम कुछ भी लिखते हैं या मंच पर कुछ प्रस्तुत करते हैं, तो हम केवल स्वांता सुखाय नहीं लिख सकते। अगर आप किसी के देश के बारे में कुछ लिख रहे हैं या देश की समस्या के बारे में लिख रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी संप्रभुता पर आंच आने दें। तो हमारे देश में, हमारा देश तो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और विविधताओं में एकता ही तो हमारे देश की पहचान है। तो हम जहां पर भी हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि देशभक्ति दिखाने के लिए हम सीमा पर बंदूक पकड़कर ही खड़े हों। देशभक्ति की भावना तो हृदय के अंदर होनी चाहिए, और हम जिस जगह पर हैं, हम जहां, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूं, आप मेरे सामने हैं, तो हम इसी तरह से बातचीत करें, क्योंकि हमें पता है कि हमें लाखों लोग देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। तो हम केवल अपने मन के लिए और इस तरह की कोई टिप्पणी ना करें जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता पर, एकता पर कोई आंच आए। और हमारे सामने भी अगर कोई करता है, अभिषेक तिवारी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों से लड़ जाती हूँ इस बात को लेकर, कि आप अगर इतने लोगों के सामने खड़े हैं और आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी किसी भी व्यक्ति को उत्तेजित कर सकता है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी बात ऐसी ना बोलें जिससे कि हमारे देश की आन बान शान पर कोई आंच आए। तो ये हम सब लोगों का उत्तरदायित्व है। तो मैं आपको एक देशभक्ति की कविता सुनाती हूँ, आपने बात छेड़ी है तो। और गंगा जमुनी तहजीब, तहजीब तो हमारे यहाँ की बहुत लोगों की, बहुत संप्रदायों को एक साथ लेकर चलने की तहजीब हमारे देश की है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में सबने बहुत अच्छी बातें ही बताई हैं, लेकिन हाँ, उनमें कुछ रूढ़ियां बन गई हैं समय को लेकर, तो उन्हीं रूढ़ियों को तो हम लेखकों को, कवियों को हटाना है, और उसके मूल स्वभाव को, धर्म के मूल स्वभाव को लोगों के सामने रखना है, कि जो जीवन पद्धति है, जो मूल रूप से जो बनाई गई है किसी अच्छे कार्य के लिए बनाई गई है, तो उन्हीं को साथ में रखिए और बाकी चीजों को हटा दीजिएगा। तो एक मैं आपको रचना सुनाती हूँ, सुनिए। कि भारत के वासी हम,
भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। भारत के वासी क्या हम, कहना है? हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। और एक क्या ऑप्शन कहना है, सुनिए क्या कहना कि है? भारत नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा ले के फिर वंदे मातरम गीत गाइए। तो इस तरह से एकता और अखंडता के लिए हमें अपने देश के लिए बात करनी चाहिए, और आपस के अलगाव को दूर रखकर, क्योंकि हम लोग आम लोग नहीं है, जितने भी कवि कलाकार लोग हैं वो आम लोग नहीं है, वो ऐसे लोग हैं कि जिन्हें हजारों लोग सुनते पढ़ते हैं। तो हमें उस आम स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता हमेशा से होती है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत कहना चाहिए। एक मिनट, मेरा कोई फोन आ रहा है। एक कविता मैं सुनाती हूँ आपको, जो बहुत लोग पसंद करते हैं, वो सुनिए। और आज भी यही स्थिति है, हमारे हमारी सेना के जवानों, 20 जवान शहीद हो गए, बड़ा हृदय को कष्ट होता है। वो मेरी एक कविता सुनिए जो मैंने कारगिल के समय लिखी थी और आज भी बहुत प्रासंगिक है, सुनिए। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के तीन रंग लहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के तीन रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर थर होना होगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हमारे जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई ये पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुनिएगा। सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का
आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और गीत का अंतिम पद, मेरी आपकी हम सबकी अगर यही इच्छा हो तो ये पंक्तियां सुनिए कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। बहुत हो चुका, 1947 से जब से हमारा देश दो हिस्सों में बटा है तब से यही सब कुछ झेलना पड़ रहा है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी, और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हम जान से प्यारा देश हमारा है, जय भारत जय हिंदुस्तान वंदे मातरम, जय भारत जय हिंदुस्तान वंदे मातरम। बिल्कुल, तो कीर्ति मैम एक छोटा सा सवाल और था, अगर वक्त हो आपके पास तो उस सवाल को थोड़ा सा जी। एक हिंदुस्तान में एक बड़ा एक अलमिया है, लोग शिकायत करते हैं कि उर्दू जबान जो है खतरे में है, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो गंगा जमनी तहजीब अपनी जो हिंदुस्तान की जो पहचान है, इसमें जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें जितना मकबूलियत मुशायरों को मिली हुई है उतनी शायद जो कविता के प्रोग्राम जो हमारे कवि सम्मेलन होते हैं तो मुझे लगता है उतनी मकबूलियत उन्हें नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये है कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पे जो प्रोग्राम होते हैं, जो मुशायरे होते हैं या मुशायरा व कवि सम्मेलन होता है, तो अगर उसकी फहरिस्त पर नज़र डालें तो उसमें अगर 20 शोरा या जो भी हैं होते हैं उसमें पूरी फहरिस्त में, तो उसमें से कवि जो है वो 3-4 ही होते हैं। तो इसको कुछ एलेबोरेट करेंगी मैम कि ये ऐसा क्यों है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि उर्दू जबान कम बोली जाती है या वो खतरे में, जबकि उसके शायर या उसके जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा मकबूलियत हासिल कर लेते हैं, और वो मुकाम जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप हैं जैसे कीर्ति मैम या ऐसे 2-4 नाम अगर छोड़ दें तो वाकई में हिंदुस्तान में ये अलमिया है कि वो मुकाम हिंदी वालों को नहीं मिला। तो इसके लिए आप किसको मैम दोषी मानती हैं या इसका ये हल क्या है, क्या होना चाहिए इसके लिए मैम? एक तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हिंदी वालों को वो मुकाम नहीं मिला है जो उर्दू वालों को मिला है। दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छी नहीं, हैं। मेरा सवाल मकराम का नहीं है। जी जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिएगा। जी जी, मुशायरे भी होते हैं, कवि सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन जब आप ये जो बात कर रहे हैं कि जो गंगा जमुनी, मतलब मैं तो एक तो गंगा जमुनी को ही नहीं मानती, सबसे पहली बात, गंगा और जमुना को क्या आप अलग अलग बांट देंगे? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, गंगा भी सभी लोगों की, जितने भी भारत वर्ष में रहते हैं उनकी सबकी गंगा है और सबकी जमुना है। तो ये मैं इस जुमले को ही खारिज करती हूँ कि गंगा जमुनी कुछ कुछ होता है, सभी लोग इस देश में जो लोग भी रहते हैं, पूरी हवा सबकी है, पूरा पानी सबका है, यहाँ की जितने भी संसाधन है वो सबके हैं। तो ये बात मेरे समझ में ही नहीं आती कि गंगा जमुनी क्यों कहा जाता है। दूसरी बात कि जो मुशायरे और कवि सम्मेलन साथ में होते हैं, अधिकांश तौर से उनकी फहरिस्त कोई या जो संयोजक कहना चाहिए उसका संयोजक कोई ना कोई शायर होता है, तो इसलिए वो उस तरह से जो जिन जिन लोगों को वो जानते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत वाजिब ये बात है
कि जैसे मैं हिंदी कवि सम्मेलनों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हिंदी वालों से अधिक परिचित होंगी, और जो लोग मुशायरे से जुड़े हुए हैं वो मुशायरे वालों से अधिक परिचित होंगे, तो वो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो उनके परिचित होंगे, क्योंकि वो उनके उनका स्वभाव जानते हैं, वो क्या सुनाएंगे वो भी जानते हैं, और साथ में वो क्या मानदेय लेते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कवि सम्मेलन या मुशायरे में जो पारिश्रमिक या मानदेय मिलता है उसका। तो जब भी कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन होता है तो उसकी फेहरिस्त कोई ना कोई शायर बनाता है, तो उनके जो परिचित लोग होते हैं उनको वो बुलाएंगे। इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें ये नहीं है कि किसको मकबूलियत हासिल हो गई। हमारे हिंदी में नीरज जी हुए हैं, बाल कवि बैरागी जी हुए हैं, और आजकल के दौर में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अशोक चक्रधर जी हैं, इतने बड़े बड़े नाम बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल आप मैं इस बात को बिल्कुल तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि उर्दू वालों को मकबूलियत मिली हुई है और हिंदी वालों को नहीं मिली हुई। एक बात बहुत स्पष्ट मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस विधा के जड़ तक गई हुई हूँ, इसी इसी में रची बसी हूँ। बहुत सारे जो जी, कवि मैंने आपसे सम्मेलन पूछा है मुशायरे मैंने साथ ऐसा। में, हाँ जी जी, हाँ जी, इसीलिए आपसे ये सवाल किया गया बहुत है। जी सारे मैम, मैं सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसमें, धन का फैक्टर जो उसमें खर्च किया जाता है, तो उसमें जो धन दिया जाता है, और बहुत स्पष्ट मैं बात कहूँ, जितना मानदेय कवि लोग लेते हैं उससे बहुत कम मानदेय पर बहुत सारे उर्दू के शायर आ जाते हैं। तो जो धन धन बिल्कुल खर्च करने की बात आती है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि धन खर्च करने की बात आती है, तो जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए का फंड है तो वो ये प्रयास करेगा कि 1 लाख रुपए में उसको पूरा कार्यक्रम कराना है, तो वो हिंदी और उर्दू दोनों को मिला जुला कर कार्यक्रम अगर वो कराना चाहते हैं तो इसी तरह से वो बैलेंस बनाकर चलें कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें हो जाए। तो इसी इसका बहुत बड़ा फैक्टर पैसा है, धन है जो उसका उसके मूल में है, तो इसलिए होता यह है कि जी हिंदी वालों के पास बहुत बड़े बड़े नाम है जो बहुत बड़े बड़े पारिश्रमिक लेते हैं, जी तो उनको अगर एक को भी बुला लिया जाए तो वो ऐसा हो जाता है कि उनका तो बजट के बाहर ही हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को मिला जुला जी कर जी तब जी कोई कार्यक्रम करने पड़ते हैं। और बहुत बड़े बड़े नाम हिंदी जी वालों के पास भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम उर्दू वालों के पास भी है, और किसी भी बिल्कुल भाषा बिल्कुल को पता हमारे है। देश में जी कोई कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा किसी भी भाषा को नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी इतने सारे शब्द उर्दू के हैं कि अब तो अलग करना ही बहुत कठिन हो गया है कि ये हिंदी का शब्द है या उर्दू का शब्द है, तो आप किस तरह से बिल्कुल अलग करेंगे किसी भी को भी अलग कर ही नहीं सकते बिल्कुल आप। बिल्कुल हम मैम लोग एक दूसरे में, पूरे हिंदुस्तानी लोग इतने अधिक घुले मिले हुए हैं कि आप कैसे अलग करेंगे। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भी बहुत सारे हैं, उर्दू में हिंदी के शब्द भी बहुत जी सारे हैं, तो आप कैसे अलग करेंगे कि ये बिल्कुल कौन सी बिल्कुल भाषा है। अभी भी हमने जो आपस में बातचीत की उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50% शब्द जो मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं वो उर्दू के होंगे। बिल्कुल 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 उर्दू इंग्लिश सारा मिक्स मिक्स बिल्कुल जो कल्चर है बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो क्योंकि जो अब तो इतना खुला हुआ है सब कुछ, तो यहाँ पर तो ये ऐसे भाषा को अगर आप बांध कर रख देंगे, किसी भी भाषा को, नदी को जब आप बांध बांध दिया जाता है तो उसका पानी सड़ जाता है, किसी भी क्या बात है। जब जी कलकल जी कलकल करके नदी बहती है तभी वो सागर तक मिल पाती है, अगर उसे बांध कर रख बिल्कुल देंगे, बिल्कुल भाषा भी एक नदी की तरह से, एक प्रवाह की तरह से, जब तक वो बहती रहेगी और अपने बिल्कुल साथ में जहाँ जिस रास्ते से वो निकल रही है उस रास्ते के गुण धर्म वो लेती हुई चलेगी तभी वो विकसित हो पाएगी, नहीं तो वो एक बिल्कुल छोटे से एक नहर सी बनकर रह जाएगी और रेगिस्तान में जाकर वो समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बिल्कुल खूबसूरत जी, बहुत बहुत खूबसूरत। और शानदार, बहुत शानदार। मैं इससे अच्छा जवाब हो नहीं सकता था इस सवाल का। बहुत शुक्रिया कीर्ति गाले मैम साहिबा। और अभिषेक भाई, ओवर टू यू प्लीज। बिल्कुल, और ये जो आज जो ज्ञान और ये जो नॉलेज है ये यकीनन अंतरराष्ट्रीय कवित्री सर्वप्रिय लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कवित्रियों में से एक, और हमारे देश का हमारे भाल का मान सम्मान आदरणीय वंदनीय डॉक्टर कीर्ति काले जी आज हमारे साथ हमें अपना कीमती वक्त दे रही हैं। और आप अध्यक्षा हैं प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच का, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि इस लॉकडाउन में जिस तरह से आपने जो कवि सम्मेलन करवाए मैम, जो कल भी मैंने देखा कि हमारे सर्वप्रिय लोकप्रिय जो हिंदी कवि हैं अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र साहब,
और जो फेरिस आप बनाती हैं वो शायद ही कोई और बनाता है। और ये जो प्रेरणा है निरंतर काम करने की, और इस जो प्रेरणा दर्पण को हरिप्रकाश जी के साथ और ओम प्रकाश कल्याणी जी के साथ और पूरी टीम के साथ जिस तरह से आप आगे लेके जा रही हैं, तो आप अपनी संस्था के माध्यम से आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, जो इस देश का जो एक लोग कहते हैं कि ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है बहुत ज्यादा, तो और वहां पे जहां पे लोग बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कई मंच ऐसे हैं कि वो कवियों से इतना ज्यादा पैसा ले लेते हैं कि वो कवि ये सोचता है कि मैं पहले पैसे जुटाऊं या अपनी लेखनी पे काम करूं। वहीं पे आपका एक ऐसा मंच है कि जो शायद कुछ नहीं लेता या बहुत नेग्लिजिबल, और उसके बाद आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट लेके जाते हैं मैम। तो आपका अब आगे मैं जो तो आपकी मैं तो अभिषेक जी आपकी बात से हैरान हूं कि कोई किसी भी संस्था में आने के लिए लोग पैसे लेते हैं, बिल्कुल मैम, कवियों से बिल्कुल पैसे लेते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल, मैं नाम पब्लिकली लेना नहीं चाहता, पता चला कल सही अभिषेक कह रही तिवारी हैं ट्रोल मैम। होगा। मैं समर्थन करता हूं, मुझे पता है, मुझे भी पता है, सहमत हूं मैं अभिषेक भाई से। बहुत सारा मैम, बहुत बड़े बड़े संस्था लोग मतलब मठाधीश बने बैठे हैं, उन्होंने एक संस्था चला दी है इंटरनेशनल फलानी संस्था ये वो, और एक मैम लाइफ लाइफ टाइम सहयोग राशि इस टाइप की, सहयोग राशि उस टाइप की रख ली है। वहीं पे आपकी संस्था जो ऑलमोस्ट निःशुल्क काम करती है साहित्य सृजन के लिए, तो अब पोस्ट लॉकडाउन आप जो साहित्य है और जो ये जो तकनीकी जो अब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, तकनीकी जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है मैम, कि अब ये ऑनलाइन लाइव और जो सेमिनार्स मुशायरे अब जो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप अपनी संस्था के माध्यम से क्या भविष्य देखती हैं साहित्य का? देखिए साहित्य का तो बहुत अच्छा भविष्य है। साहित्य, देखिए साहित्य तो हमारे प्राणों में बसा हुआ है। जैसे बिल्कुल कोई गीत है या गजल है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी कोई गीत गाया ना हो, या कोई बिल्कुल गीत सुना ना हो, या कोई गजल सुनी ना हो, या कोई गजल गाई ना हो। तो वो तो हमारे प्राणों में बसता है। जब हवा बहती है तो वो भी एक लय के साथ बहती है, ऐसा लगता है कि वो गाना गाते हुए बह रही है। जब जब कोई नदी बहती है तो नदी भी एक कल 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 करके एक लय के साथ बहती हुई चली जाती है। हमारी सांसें जो आती हैं वो भी एक लय के साथ आती हैं, वो भी एक एक तरह से गाना गा रही हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्र हैं, वो भी तो एक लय के साथ में उदित होते हैं और लय के साथ में उनका अवसान होता है। तो एक लय में पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। तो ये लय जब तक है, जब तक ये सृष्टि है तब तक लय है, और ये लय है तब तक गाना है, गाना है तब तक गीत भी है, गजल भी है। तो इनसे तो हम दूर हो ही नहीं सकते। साहित्य का तो भविष्य इतना इतना अधिक उज्जवल है। देखिए कोरोना काल में किसी ने सोचा नहीं था कि जब कोई लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई समारोह नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, कैसे लोग आपस में एक दूसरे की प्रतिभा से परिचित हो पाएंगे। लेकिन देखिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, मनुष्य का यही तो स्वभाव है, अनुकूलन का स्वभाव। जिस जिस कैसी भी परिस्थिति हो वो अनुकूलन को ग्रहण कर लेता है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने कोई भी ना दिखे, सामने बैठा हुआ, और मैं बातचीत करूं। क्योंकि मुझे तो इतने सारे श्रोता जब सामने बैठे होते हैं और मैं सुनाती हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, आहा होती है, वाह होती है, वंस मोर होती है, तब सुनाने में आनंद आता है। लेकिन अब ऐसा समय है तो यहाँ इसमें भी एक रास्ता निकाल लिया, ये कैमरा सामने लगा लिया या लैपटॉप लगा लिया, और उसमें दिखता रहता है कि कितने लोग देख रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, तो आनंद आता है इसमें। तो साहित्य और कविता का कोई भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि वो तो हमसे अलग है ही नहीं, वो तो हमारी वाह जीवन पद्धति का अंग है। एक बात मैं कहती हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ इस बात पर, लेकिन फिर भी वो कम से कम नए लोगों को भ्रमित ना करें तो अच्छा रहेगा। संस्थाएं चलाने के लिए धन लगता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि धन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा अपनी संस्थाओं के माध्यम से करते रहें जिससे कि जो नए लिखने वाले लोग हैं, वास्तव में जो लिखना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले। केवल आप धन इकट्ठा करने के लिए या अपने अपना नाम बढ़ाने के लिए कुछ करते रहें तो ये तो एक तरह से अपराध मानती हूँ मैं। बहुत बड़ा अपराध है अगर हम अपने नई पीढ़ी को कुछ न दे पाए और केवल उनसे लेते लेते रहें। अगर आप कहें तो एक कविता मैं सुनाऊं इस बात पर मुझे याद आई। जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर जी, इनायत में ये एहसास मैंने क्या। ये गीत मैंने लिखा था नई पीढ़ी की ओर से अपने बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति विनम्र निवेदन प्रस्तुत करते हुए। क्या बात है बहुत क्या बड़ी बात है प्रतिभा है नई पीढ़ी में, बहुत ऊर्जावान लोग हैं, बस उन्हें एक रास्ता बिल्कुल दिखाने की आवश्यकता होती है, तो वो जिंदाबाद सुनूंगा। लीजिए।
नई पीढ़ी के लोग कह रहे हैं अपनी बुजुर्ग पीढ़ी से सुनिए कि फैल जाने दो हमें वातावरण में, कि फैल जाने दो हमें वातावरण में, खुशबुओं को आज अंगारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में, खुशबुओं को आज अंगारे न दो, भारती की आरती के दीप हैं हम, प्रार्थना के नाम पर नारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। और ये पंक्तियां सुनिए क्या है नई पीढ़ी कि जिंदगी के अर्थ को उजला बनाने, कि जिंदगी के अर्थ को उजला बनाने, हम सदा रौंदा किए मैली ध्वजाएं, और स्वर्ण से इतिहास भी हमने रचे हैं, जन्म लेती हैं हमी से सभ्यताएं, कि सृष्टि की नव सृजना के बीज हैं हम क्या हैं, क्या है नई पीढ़ी सुनिए, कि सृष्टि की नव सृजना के बीज हैं हम, तुम कलम दो हमको तलवारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में, खुशबुओं को आज अंगारे न दो, भारती की आरती के दीप हैं हम, प्रार्थना के नाम पर नारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। और इंटरनेट के युग में जवान हुई ये पीढ़ी, इसके सपने क्या हैं ये सुनिए कि कल्प वृक्षों पर नहीं हमको भरोसा, बहुत प्रतिभाशाली है, कि कल्प वृक्षों पर नहीं हमको भरोसा, ठोस धरती पर जमाए पाव हमने, और स्वप्न देखे हैं सदा अपनी नजर से, कि स्वप्न देखे हैं सदा अपनी नजर से, दूसरे की आंख से देखे न सपने, और लांघ जाएंगे समुंदर एक पल में, कि लांघ जाएंगे समुंदर एक पल में, तुम हमें बीमार पतवारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में। और गीत का अंतिम पद कि बीज नफरत के बिखेरे हैं समय ने, कि बीज नफरत के बिखेरे हैं समय ने, उठ रही हैं आस्थाएं मंदिरों से, और आंख में चिनगारियां पलने लगी हैं, कि आंख में चिनगारियां पलने लगी हैं, आ रही है गंध बारूदी घरों से, कि हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, कि हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, तुम हमें अब और अंधियारे न दो, फैल जाने दो हमें वातावरण में, फैल जाने दो हमें वातावरण में, फैल जाने दो हम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मैम, जिंदाबाद, जिंदाबाद दीदी, जिंदाबाद। और जब साक्षात माँ शारदे सामने बैठी हो तो दिल करता है कि सिर्फ सुनते रहें, सुनते रहें। और अब तो डिमांड आने लग गई है, और लोगों की जो जो लोगों का जो डिमांड आई है, आपकी एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है, भोली भाली छोरी नीम की निबोरी। जब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को आ गया है तब कोई फरमाइश कर रहे हैं, चलो कह रहे हैं तो सुना देती हूँ। ये घनाक्षरी छंद है, बहुत सुंदर छंद है हिंदी का, जिसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। और मनहरण इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल मन को हर लेने वाला छंद है। सुनाती हूँ, सुनिए कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, अब वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, इसी का ये छंद है। सुनिए कि नीम की निबोरी
नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर कि पतझर को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझर को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। क्या बात है, और एक वसंत का छंद भी सुनिए, अगर ये बात छिड़ी गई है तो सुना देती हूँ। वसंत आता है तो कैसा लगता है कि पूरी धरती दुल्हन की तरह सज गई हो। पीले पीले सरसों के फूल पूरी धरती को आच्छादित कर देते हैं। ये छंद सुनिए। अनंग कहते हैं कामदेव को जो फूलों के बाण चलाता है और उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ये पंक्तियां सुनिए कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, कि अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आई भी आज बनने सवरने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने सवरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। बहुत खूबसूरत। तो देखा कैसा मनहरण छंद है, मन को हर लेता है। जहां क्या कहीं पर भी सुनाया वाह 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 वाह। एक तो मनहरण छंद, एक तो मनहरण छंद, और ऊपर से सुनाने वाली माँ वागीश्वरी का प्रतिरूप अगर हो डॉक्टर कीर्ति काले जी का, तो जाहिर सी बात है कि घनाक्षणी जो छंद है और जो मनहरण छंद जिसे आप बोल रही हैं कि जिसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि श्रोताओं का मन हरा ही जाएगा। और आप एक ऐसी कद्दावर कवित्री हैं जो युग काल खंड से परे है, और आज आपने, क्योंकि अभी हमारे जाने का और आपके कीमती वक्त जो आपने हमें दिया है, पहले ही हम उसमें लेट थे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, और आपको भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आपने ये जो कीमती वक्त हमें दिया है और अपने श्रोता लाखों करोड़ों लोग जो आपको इसके बाद भी देखेंगे, काफी सारे लोगों ने देखा है इसको, आपको जानने वाले, चाहने वाले, आपको पूजने वाले, आपको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ओर से मैं आज टीम पॉलिटी का आत्मा, आपके अपने मंच प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच, एसआरओपी फिल्म्स, साहित्यम और शौर्य नमन की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपका मेरे पास लफ्ज नहीं है क्योंकि आपको विदा विदा करना, विदा होने से पहले, ये विदा होने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पोएटिक आत्मा के माध्यम से या कोई और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हिंदी को और उर्दू को या सभी भाषाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत 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 अच्छा कार्य ये है। और जो मेरी संस्था है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, उसके माध्यम से भी हम नई प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करते हैं और एक सेतु बनाने का कार्य करते हैं कि जितने भी प्रतिष्ठित कवि हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े अनुभव हैं, उनके साथ में उनके अनुभव किस तरह से हम नई पीढ़ी को दे पाए, तो इसी तरह का कार्य प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच करता है। और आगे भी हम लोगों की यही योजना है कि हम किसी से, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा आपसे ये बात सुनकर कि कोई दूसरी संस्थाएं जो भी कोई उनके यहाँ नवांकुर आते हैं उनसे वो कोई धन लेते हैं, तो धन लेने की आवश्यकता नहीं है, देने वाले लोग बहुत होते हैं। अगर आप अपना अच्छा कार्य करते जाएं तो देने वाले लोग भी बहुत होते हैं, नए लोगों से आपको कोई धन लेने की आवश्यकता नहीं होती, बस उनका मन जीतने की आवश्यकता होती है और उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे जिससे कि जो नए लिखने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से हमारे अनुभवों का लाभ मिल पाए, और मुझसे भी जो बड़े और प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसमें खपा दिया है उनका भी कुछ ना कुछ उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ शारदे
तुल्य, माँ तुल्य, डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी, राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी, नाम के साथ बहुत सारे उपनाम हैं। अगर कुछ त्रुटि हुई आज हमसे तो हमें जरूर आप क्षमा कीजिएगा। और आपका हृदय वैसे ही बहुत विशाल है और आप सबको असीम प्रेम अपने अनुकंपा से हमेशा कृतार्थ करती हैं। और आज हम सब आपके सामने आपको अपने समक्ष पाके जिस खुशी की अनुभूति कर रहे हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और नहीं की जा हिंदी सकती और है। हिंदुस्तानी काव्य जगत का आप एक ऐसा नाम है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के मान सम्मान में वृद्धि कीर्ति यश गान के लिए जाने जाती हैं। और मैंने कई बार सुना है बालस्वरूप राही जी और बड़े बड़े कवियों को कि जैसा नाम है जैसे ना यथा नाम तथे गुण वाला, कि आपका जो नाम है आपके जो सहस्त्र गुना उससे भी ज्यादा जो आपके गुण है जिससे आपने पूरे काव्य जगत को सुगंधित किया। हम चाहेंगे कि आपको ईश्वर परमपिता परमेश्वर दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ तन स्वस्थ शरीर प्रदान करें और आप ऐसे ही साहित्य सृजन में लगी रहें और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही दीप्तमान प्रज्वलित करती रहें। और लोग आपसे जैसे आज सीख रहे हैं और जिस प्रेम से हम आपसे आज मिल रहे हैं आज से आने वाले कई वर्षों बाद भी हम आपके मुखमंडल पर यही आभा यही खूबसूरती और यही जो 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 खुशी की जो एक जो मुस्कान है इसे हम देखते रहें। और आप ऐसे ही हम सबको प्रेरणा दर्पण के माध्यम से और अलग अलग जो मंच है जहां पे आप जब भी जाती हैं उन मंचों के माध्यम से हम सभी को नवाजते रहें, हम सभी को अपने सामने खड़े होने का और आपको सुनने का मौका देते रहें। हमारी ईश्वर से यही कामना है। जुबेर अंसारी बहुत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे आमंत्रित किया। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने मंच का जो है मान सम्मान बढ़ाया और मैं इसके लिए मैं सभी मंचों से जो जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में थे मैं दिल की अमीक गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को इस पे खसूसी तौर पे पोइटिक आत्मा को और यूं ही मिलता रहेगा और हम लोग मिल के कुछ अच्छा साहित्यिक जो भी और जो आपने की जो कोशिशें हैं और आपकी जो ख्वाहिश है और आपने जो पैगाम देना चाहा नई जनरेशन को तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। और जो आपने जो और मंचों पे जो एक उनको एक सलाह दी है जो तो मुझे लगता है कि चूंकि आपने वो सलाह दी है तो मुझे बिल्कुल, हम तो लोग उसको उस पर अमल करेंगे उस पर और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत तहे दिल शुक्रिया से आपका, शुक्रिया। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी।